नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सेठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा न्यूज़ चैनल। रिपब्लिक हरियाणा न्यूज़ चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको किसानी, खेत, खेल, राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से करवाते हैं अपडेट। और हमारी इंटरव्यू सीरीज़ में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे खास शख्सियत से। हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिनका जन्म 29 जुलाई 1967 को पानीपत में हुआ। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र से यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की, उसके बाद ये मंडल सचिव बने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया जी उन दिनों इंडिया मीडिया की सुर्खियों में आए जब इन्होंने हाल ही में हुए इलेक्शन मई में कुलदीप शर्मा जी को 6.5 लाख वोटों से हराया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एकजुट करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है और हाल ही में संपन्न हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जन आशीर्वाद यात्रा के संयोजक रहे। और ऐसा कहना ज़रूरी होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ये सारथी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सम्मान दिया, अपने पास बुलाया और मैं यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे आपके सियासी सफ़र के बारे में। जैसा आपने बता ही दिया, आपको जानकारी है पहले से, 1987 में मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई तो मंडल महामंत्री युवा मोर्चा से मेरी शुरुआत हुई। मैं प्रदेश महामंत्री युवा का भी रह चुका हूं, फिर मैं मंडल अध्यक्ष बीजेपी से शुरू होकर आज प्रदेश महामंत्री बीजेपी का मेरे पास दायित्व है और मैं नगर परिषद पानीपत का चेयरमैन भी रहा हूं। पहले दो विधानसभा अनसक्सेसफुल चुनाव मैंने फाइट किए और अब आप सब लोगों के दुआओं से और करनाल की जनता के आशीर्वाद के कारण मुझे एक बहुत अच्छा चुनाव, जिसको कह सकते हैं परिणाम, हिंदुस्तान में जो मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट सीट जो करनाल लोकसभा क्षेत्र की रही। और आप समझ सकते हैं मोदी जी का जादू सर चढ़ के सबके ऊपर बोला और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो ईमानदारी है और उनका गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल, इन सब बातों के कारण मुझे इतना बड़ा मार्जिन। सर, हमारी जनता जानना चाहेगी आपसे, आपका सियासी सफर काफ़ी संघर्षपूर्वक रहा तो उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, संघर्षपूर्वक तो ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ हमने बिल्कुल विपक्ष में रहते हुए उनको कड़ी टक्कर दी। हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर उस समय बीजेपी के बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आती थी, उसके बावजूद भी हम जो वहाँ पानीपत से चुनाव लड़ते थे, हैवी वेट थे कांग्रेस के, उनको अच्छी फाइट दी। बाकी तो संघर्ष में ही आदमी सीखता है और विकास किसी का भी होता है, बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। जो सिल्वर स्पून लेके बड़े बड़े परिवारों के बच्चे पॉलिटिशियन राजनीति में आए, उनका हालात क्या है, उनका क्या बनी उनके साथ, वो आप देख ही सकते हैं। सर, मनोहर लाल खट्टर जी को काफ़ी समय हो गया है, अभी उनका कार्यकाल सभी ने देखा है, तो उनको आप 10 में से कितने अंक देंगे और क्यों? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और ये जनता बोल भी रही है। आज तक जब आदमी सरकार बनाता है उस समय का उत्साह बहुत होता है और धीरे धीरे 5 साल सरकार चलाने के बाद वो उत्साह डाउनवर्ड जाता है, कम जाता है। लेकिन मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला अनुभव है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद जो शुरुआत में उत्साह था उससे कई गुना ज़्यादा उत्साह अब ये समापन के ऊपर है। तो सर, भाजपा का मुकाबला किससे मानते हैं और क्यों? सर, ऐसा है कि अगर कोई मुकाबले वाली बात होती, मैं इसको कोई अहंकार में नहीं कह रहा ना एरोगेंसी में कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, ये मुकाबले की बात आप लोकसभा चुनाव से पहले भी करते थे, उससे पहले जींद इलेक्शन था उससे भी करते थे, उससे पहले निगमों के 5 निगमों के चुनाव हुए उसमें भी आप करते थे कि ऐसा रहा कि आपको अब ये सेमीफाइनल है। खुद विपक्ष के नेता हुड्डा साहब ने बोला कि ये सेमीफाइनल है, जींद के लिए बोला नगर निगम, अब वो सेमीफाइनल में बुरी तरह उनकी जमानत जब्त हुई। अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता कहने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो देश की विदेश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी तक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी जमानत भी बड़ी मुश्किल से बची उनकी जींद के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए, अहंकार का दुश्मन परमात्मा भी होता है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि आज उन्होंने अपनी करनियों के कारण ही विपक्ष की भूमिका से भी वो नदारद हैं, मैं समझता हूँ। सर, हमारी जनता जानना चाहेगी आपसे कि चुनाव के लिए 90 सीटों पर बीजेपी के कितने दावेदार हैं जिनके आवेदन दिए गए हैं? सर, नहीं, अभी तो आवेदन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, अभी तो आप समझ सकते हैं कि अन्य दलों से भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, नए नए सामाजिक काम करने वाले लोग जुड़ रहे हैं और अपने कार्यकर्ता भी इतने परिपक्व और मजबूत कार्यकर्ता हैं, आज वो भी उसमें हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि गिनती नहीं कर सकते आप,
हमारे यहाँ तो साधारण से कार्यकर्ता, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में काम करता। मैं तो 2-3 साल से प्रदेश के अंदर संगठन के काम में मेरी जिम्मेवारी थी, प्रदेश कार्यालय में बैठता था। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ही चुनाव लड़ाया और आपके सामने रिजल्ट आया। तो सर, जनता जानना चाहेगी कि भाजपा सरकार की ऐसी कोई 10 उपलब्धियाँ। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि जिस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ा प्रहार किया, जैसे नौकरियाँ मेरिट के ऊपर दी, बिकती थी नौकरियाँ, पैसे से, रिश्वत से बिकती थी। जो भी सरकार आती थी अपने मनपसंद चहेते इर्द गिर्द लोगों को या पैसे लेकर या किसी चीज़ से प्रभावित होकर उनको नौकरी देते थे। आज बच्चे अपनी मेहनत करके, कोचिंग लेके, टेस्ट देके अपना टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स गेन करते हैं और मेरिट बनती है, आज आपके सामने है। ट्रांसफ़र पॉलिसी आप देखिए किस तरह टीचर्स धक्के खाते रहते थे, आज कंप्यूटर की एक बटन क्लिक में हजारों टीचर्स की अपनी मनपसंद जगह पर उनकी ट्रांसफर हो जाती है। कितनी ही सर्विसेज को हरियाणा सरकार ने, कितनी सरकारी सर्विस को ऑनलाइन करने का प्रयास किया। सर, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, लेकिन सर जो मेन मुद्दा है जो अभी हरियाणा में आ चुका है वो है नशा। सर, नशा हरियाणा में बस चुका है, इसको ख़त्म करने के लिए आपकी सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? ये आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया और आप जिस बेल्ट के अंदर बैठे हो यहाँ इस बात की बड़ी दिक्कत है। अभी पंजाब में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो था और पंजाब से ये, मैं समझता हूँ, ट्रांसफ़र हो गया हरियाणा के अंदर, अपना बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है। मैं ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर पहल की है। अभी 8 स्टेट्स की ज्वाइंट मीटिंग हुई है, 8 स्टेट्स की ज्वाइंट एक्शन फोर्स बनी है। अब पहले क्रॉस बॉर्डर कोई भी एक्टिविटी होती थी उसको रोक नहीं पाते थे, लेकिन अब ये इसको स्ट्रेंथ मिली। 8 स्टेटों का कॉमन एजेंडा है कि नशे के खिलाफ मिलकर फाइट करेंगे। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अब आगे देखने को मिलेगा। करनाल के सांसद संजय भाटिया जी, जिन्होंने अपने सियासी सफर के बारे में, अपनी भाजपा पार्टी की उपलब्धियों के बारे में और आने वाले विधानसभा चुनाव के इलेक्शनों को लेकर क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बताया। हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।